बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक इस तरह का फेस मास्क जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा, आपकी स्किन को वाइट करेगा। वो मेरे दोस्त जिनकी स्किन सांवली है या कि उनकी स्किन ग्लो नहीं करती, आज की इस फेस पैक को ज़रूर नोट फरमा लीजिएगा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस इंशाल्लाह ताला आपको ज़बरदस्त इफेक्ट मिलेंगे। आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको तमाम अपडेट्स जो हैं सबसे पहले देखने को मिल सके। आइए दोस्तों आगाज करते हैं। इस कटोरी के अंदर जो मुझे चीज ऐड करनी है, सबसे पहले वो है चावल का आटा। फ्लोराइस एक इस तरह का ज़बरदस्त किस्म का एंटी एजेंट है हमारे पास, जो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो करता है। वन स्पून हमने इसके अंदर जो है वो चावल का आटा ऐड कर लिया है। दोस्तों अब इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मुझे ऐड करना है वो है टमाटो जूस। टमाटर को आप एक टमाटो ना मीडियम टमाटो को ले लीजिए और इसको कट कर लीजिए। कट आप कुछ इस तरीके से कीजिए कि इसको ऊपर से आप अच्छे तरीके से काट लीजिए और इसको आप इसका जो इसको नरम कर लीजिए और बीज के साथ इसके जो सीड्स हैं उनके साथ ही आपने टमाटो जूस को बड़ी इजीली इस तरीके से इसके अंदर ऐड कर लेना है। फ्रेंड्स अब आपने इसको मिक्स कर लीजिए। ये देखिए मेरे पास टमाटो जूस और जो चावल का आटा है यानी फ्लोराइस, ये मिक्स हो चुके हैं। अब इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैंने ऐड करना है वो है लेमन जूस। हाफ लेमन जूस कर लीजिए और उसके जो ड्रॉप्स हैं 5 या 6 ड्रॉप्स इसके अंदर ऐड कर लीजिए। अब आप इसको फिर से एक दफ़ा से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों मेरे पास जो है एक ज़बरदस्त समोसा पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। ये एक ऐसा पेस्ट है जो आपकी स्किन को ग्लो करेगा और आपकी स्किन को टाइट भी बनाएगा। ये बहुत ही इफेक्टिव और एक छोटी सी रेमेडी है जो आपकी स्किन को फेयर करेगी। आपकी स्किन फेयरनेस के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का पैक है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है मेरे दोस्तों को तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हमेशा की तरह आपसे इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।